अगर आपने भी सांप पाला है तो ये वीडियो पूरा देखना। तो दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं द मार्क ऑफ विष्णु। इसको लिखा था कुशवंत सिंह ने। कुशवंत सिंह की ये सबसे बेहतरीन शॉर्ट स्टोरी मानी जाती है और इसे पूरी दुनिया पसंद करती है और ये लगभग हिंदुस्तान के हर सिलेबस में आपको दिखेगी। द मार्क ऑफ विष्णु ये कहानी है एक इनोसेंट ब्राह्मण की जिसका फेथ सांप से बहुत जुड़ा हुआ है और सांपों से उसको बहुत ज्यादा लगाव है और इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। तो आइए देखते हैं ऐसा क्या खास है इस स्टोरी में द मार्क ऑफ विष्णु रिटन बाय कुशवंत सिंह। लेट्स बिगिन। तो कहानी की शुरुआत होती है गंगाराम से। गंगाराम जो कि सर्वेंट है कुशवंत सिंह और उनके तीनों भाइयों का। कुशवंत सिंह की उम्र लगभग 16-17 साल है और उनके तीनों भाइयों की उम्र भी लगभग उतनी ही है। गंगाराम अपने मालिक के यहाँ यानी कुशवंत सिंह के यहाँ रहता है और उनकी देखभाल करता है। एक शाम वो सांप के बिल के पास खड़ा हुआ था और वो सॉसर में दूध डाल रहा था। कुशवंत सिंह जो कि युवा है उन्होंने पूछ लिया कि गंगाराम आप ये क्या कर रहे हो। तो गंगाराम ने जवाब दिया कि ये काले नाक के लिए है, काला नाक जो इस बिल के अंदर रहता है और हर शाम मैं ये दूध भरा हुआ सॉसर यहाँ रखता हूँ और वो काला नाक रात में इसे पी जाता है। तो वही खड़े हुए सारे बच्चे उनके ऊपर हंसने लगे। कुशवंत सिंह और उनके तीन भाई ये गंगाराम पर हंसने लगे और कहने लगे कि हमें हमारे टीचर ने सिखाया है कि कोई भी सांप दूध नहीं पीता और अगर पी भी ले तो कुछ दिनों के बाद वो पीता है, ऐसा उन्होंने कहा। इस चीज़ को गंगाराम मानने के लिए तैयार नहीं थे। कुशवंत सिंह और उनके भाइयों ने कहा शायद वो बिल्ली होगी जो आपका दूध पी लेती होगी। गंगाराम बहुत परेशान हो गया और उसने कहा कि यहाँ उस बिल के पास, सांप के बिल के पास कोई बिल्ली नहीं जाती, डरती है, वहाँ पे काला नाग रहता है। गंगाराम कहता है कि जब तक वो उस बिल के पास दूध रखता रहेगा तब तक वो सांप बाहर नहीं आएगा और इस घर में रहने वाले किसी को भी वो काटेगा नहीं। और सब इस चीज़ को देख रहे थे और हैरानी से सुन रहे थे और कुछ लोग हंस भी रहे थे। और गंगाराम बोलने लगा कि यही जो मैं सासर भरकर दूध रखता हूँ वो दूध हमारा सबका संरक्षण करता है, ऐसा वो कहने लगे। तो तभी कुशवंत सिंह ने कहा तुम एक स्टूपिड ब्राह्मण हो, क्या तुम नहीं जानते सांप कभी दूध नहीं पीते? कम से कम कोई हर दिन एक सॉसर भरकर तो पी नहीं सकता। हमारे टीचर ने हमें बताया है कि सांप कई दिनों तक कुछ नहीं खाते। हमने हमारे साइंस लैब में एक सांप देखा जिसने मेंढक को निगल लिया था और वो मेंढक पानी की बूंद की तरह उसके गले में अटक गया। कुछ दिन लगे उसे उस गले से पेट के हिस्से में जाने में और जैसे जैसे वो मेंढक नीचे जाता वैसे वैसे ही उसका शरीर का हिस्सा फूलने लगता। इस साइंस को उस युवा कुशवंत सिंह ने गंगाराम अपने सर्वेंट से कहा और चारों बच्चों ने कहा कि हमारे साइंस लैब में मिथाइलेटेड स्पिरिट है जिसमें कई सांपों को हमने पकड़ कर रखा है, जिस स्पिरिट के अंदर हमने कई सांपों को कैद करके रखा है और हमारे लैब में एक साइंस प्रैक्टिकल के लिए एक सांप को लेके आया जो सांप दो सिरों वाला था। अगर आप उस सांप को देखते तो आपको भी बहुत हंसी आती क्योंकि वो दोनों तरफ से चलने की कोशिश करता था जब हम उसके ऊपर हावी होने लगते थे, ऐसा उन चारों बच्चों ने गंगाराम से कहा। गंगाराम भयभीत हो गया और उसने कहा कि जैसे तुम मिथाइलेटेड स्प्रिट में सांप या किसी अन्य जीवी को तुम रखते हो तो इसकी सज़ा तुम पाओगे, तुम्हें इसका हिसाब एक दिन ज़रूर देना पड़ेगा, ऐसा
गंगाराम उन बच्चों से कहता है। गंगाराम से बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था, वो अच्छे हिंदुओं की तरह एक अच्छा ब्राह्मण था। उसका विश्वास त्रिमूर्ति में था, यानी कि ब्रह्म विष्णु और शिव इनमें था। इनमें से वो सबसे ज़्यादा विष्णु को मानता था, विष्णु की पूजा करता था, भगवान विष्णु के बारे में सोचता था, और इसीलिए वो काले नाग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, क्योंकि काले नाग के ऊपर भगवान विष्णु का वी मार्क बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। ब्राह्मण होते हुए भी वो एक अनपढ़ अंधविश्वासी आदमी था। उसके लिए सारा जीवन पवित्र था, भले ही वो सांप, बिच्छू या और किसी तरह के एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो, वो सभी को एकदम प्यार से लेता था, चाहे वो कितना ही जहरीला क्यों ना हो। जितना खतरनाक जानवर होता था, उतना ही ज़्यादा प्यार से गंगाराम उस जानवर के साथ रहता था। और कुशवंत सिंह के घर पास जो सांप का बिल है, जिसमें काला नाग है, उस काले नाग से वो बहुत ज़्यादा प्यार करता था। उसको हर रोज़ सौसर में दूध डालकर वो वहाँ पर रखता था। पर सब बच्चों ने गंगाराम से कहा, अगर हम उस काले नाग को देखेंगे तो हम उसे मार देंगे। तो गंगाराम ने उस चीज़ का विरोध किया और कहा कि मैं तुम्हें उस तक पहुँचने ही नहीं दूंगा। और उन बच्चों को घबराने के लिए गंगाराम ने कहा कि उस सांप ने 100 अंडे दिए हैं, अगर तुम उसको मारोगे तो वो सभी अंडों में से नाग बाहर आएंगे और वो सब आपके घर में घुस जाएंगे, फिर आप क्या करोगे? ऐसा गंगाराम ने सब बच्चों से कहा। सारे बच्चे एक दूसरे तरफ देखने लगे और कहने लगे कि हम सारे 100 सांपों को पकड़ लेंगे और मुंबई भेज देंगे। मुंबई भेजकर हर सांप के उन्हें 2 रुपये मिल रहे हैं, मतलब 100 सांप के उन्हें 100 रुपये मिल जाएंगे। ऐसी बातें वो गंगाराम से कहने लगते हैं। गंगाराम ने बातों में ही कहा कि यह एक फनियार है, फनियार जो कि बहुत बड़ा मुंह निकालता है और अपना फन फैलाता है और सामने वाले को डराता है, इतना बड़ा उसका मुंह है, ऐसा वो कहने लगा। सब बच्चे गंगाराम तरफ देखते हैं और कहते हैं, गंगाराम आप कितने झूठे हो, फनियार जो है वो एक नर है, वो अंडे नहीं दे सकता, आपने खुद अंडे दिए होंगे। आपने खुद ही अंडे दिए होंगे, ऐसा वो कहने लगा। और सब बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे और गंगाराम से कहने लगे कि अंडे आपके हैं तो फिर हमें 100 गंगाराम मिलेंगे, क्योंकि आपने कहा कि वहाँ पे 100 अंडे हैं, यानी कि हमें 100 गंगाराम मिलेंगे। और ज़ोर ज़ोर से सारे बच्चे हंसने लगे, गंगाराम का मजाक उड़ाने लगे। इस कहानी में गंगाराम क्या सिद्ध करना चाहते थे वो हमें आखिर तक पता ही नहीं चला, पर हाँ इस कहानी में हम देखेंगे कि उनके साथ क्या होता है आगे। तो मानसून की सुबह हुई और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश रात भर चली थी, पूरे घर के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था और वहाँ पर काला नाग अपना फन फैलाए वही घूम रहा था। हम सब भाइयों ने उस नाग को देखा और वही जितना भी पानी आसमान से गिर रहा था बारिश का, वो सब उस सांप के बिल तरफ जाने लगा। तो सांप बाहर निकल चुका था और हम सब देख रहे थे। लगभग 6 फीट लंबा और मेरी कलाई इतना ही चौड़ा, यानी कि काफ़ी मोटा हिस्सा था उसका, और गोल और बिल्कुल चमकदार काला नाक, वो सब भाई देख रहे थे। उनमें से किसी एक ने कहा कि ये किंग कोबरा है, लग तो रहा है कि किंग कोबरा ही है, तो चलो उसे पकड़ लेते हैं। पर चारों भाइयों ने बाम्बू की स्टिक लेके उसके सामने खड़े हो गए और काले नाग को वहाँ से निकलने का वक्त उन्होंने नहीं दिया और उसको पूरी तरह से ज़ख्मी कर अपने एक टीन के बॉक्स में रख लिया
और ऊपर से कवर लगा दिया। रात को गंगाराम को उन्होंने कहा कि आज तुम दूध लेकर नहीं जाओगे क्या, आपका सांप इंतज़ार कर रहा होगा, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। चारों भाई हमेशा ही गंगाराम का मजाक उड़ाते थे और हमेशा कहते थे कि सांप को दूध से ज़्यादा मेंढक पसंद आएगी। तो तभी बस आ गई और सब बच्चे स्कूल की बस में बैठ गए, और उसमें बैठने के बाद उन्होंने गंगाराम को चिल्लाया और दूर से ही वो बॉक्स, वो डिब्बा दिखाया और कहा कि ये रहा आपका काला नाक, इस डब्बे में सुरक्षित है, हम उसे साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए लेके जा रहे हैं। गंगाराम बहुत बेचैन हो गया और बिल्कुल एक वर्ड नहीं कहा, एक अल्फाज उसके मुंह से नहीं निकला, और वो खड़े हुए उस बस को देख रहा था जिस बस में खुशवंत सिंह और उनके भाई सांप को लेके जा रहे थे। गंगाराम उस स्कूल बस को देखते रहे और खुशवंत सिंह और उनके भाई वहाँ से चले गए उस बस में। उसके बाद उस स्कूल में काफ़ी उत्साह भरा हुआ था बच्चों के अंदर, और सब सोच रहे थे कि ये चारों भाई बहुत डेंजरस है, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, और सब बच्चे बोल रहे थे एक किंग कोबरा, एक 6 फीट लंबा किंग कोबरा, एक काला नाक, एक फनियार, सब ऐसी बातें करने लगे। और उस काले नाक को उन चारों बच्चों ने साइंस टीचर को प्रेजेंट किया। उस बॉक्स को टीचर के बेंच के ऊपर रखा हुआ था और सभी बच्चे उस बॉक्स का खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। हमारी बहुत ज़्यादा ही सब प्रशंसा कर रहे थे और सब डर रहे थे कि ये लोग बहुत डेंजरस है। जो साइंस के टीचर थे वो गुनगुनाते हुए बॉक्स के चारों ओर से रस्सी खोल रहे थे। जैसे ही रस्सी ढीली हुई, ढक्कन हवा में उड़ गया, तभी टीचर की नाक को उस काले नाक की फनी लगी और वो उठ खड़ा हुआ, और जैसे ही नाक खड़े हुआ और उसकी पोजीशन बिल्कुल टाइट हो गई, उसी वक्त टीचर अपने बेंच से पीछे गिर गए और सब बच्चे अपने अपने डेस्क के ऊपर खड़े हो गए और सब चिल्लाने लगे। स्कूल में बहुत ज़्यादा शोर हो गया, सब बच्चे कुछ उथल पुथल करने लगे, और तभी जैसे ही वो दरवाज़े के बाहर आता है तो उसके सामने वो देखता है, वो काला नाग गंगाराम को अपने सामने खड़ा हुआ देखता है। गंगाराम, जो कि मैंने कहा था आपको अंधश्रद्धा और अंधभक्त है, और वो अंधभक्त होने की वजह से ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा पुजारी भी है सांपों का, तो वही गंगाराम एक जग में दूध भरे हुए, हाथ में सॉसर लिए हुए दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, और काला नाग फुल स्पीड में उस गंगाराम की ओर जाने लगा और उतने ही क्रोध के साथ उसने उस पर वार किया। गंगाराम के पूरे सिर पे उसने काट लिया। उसी वक्त वही बाजू से एक नाली थी, वहीं पे वो चला गया, और इधर गंगाराम अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाने लगा और चिल्लाने लगा, तड़प रहा था। जैसे उसने आँखें खोला तो वो अंधा हो चुका है ऐसा वो महसूस कर रहा था। उसकी आंखें अंधी हो गई और पूरा बदन पीला और फिर नीला हो गया, और मुंह से फेस आने लगा, उसी तरह से माथे से खून की बूंदें टपकने लगी। जो साइंस टीचर थे खुशवंत सिंह और उनके भाइयों के, उस क्लास के, वो वहाँ पर पहुँचे, अपने रुमाल से गंगाराम का सर पोछा, और जब वो देखते हैं तो उसकी पेशानी पे, मतलब फोरहेड पे वी निशान बना हुआ था। गंगाराम के सर पे एक वी निशान वो देखते हैं, और जो कि सांप के नुकीले दांतों के खोदे हुए थे, और उसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है।